सो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के दूसरे वीडियो में मैं इस बात को लेकर आया हूं कि किस प्रकार हम इस भ्रम को मतलब से दूर रहें उन लोगों द्वारा जिनने जिंदगी में कभी इकोनॉमिक्स पढ़ाई नहीं है, उनसे हम सलाह लेने पहुंच जाते हैं कि हमें इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो हम इस भ्रम को दूर करने के लिए मैं आपके पास लेकर आया हूं अपने दूसरे वीडियो में कि किस प्रकार हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र को समझ सकते हैं, कैसे हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम कैसे डिकोड करेंगे, है ना, कैसे समष्टि अर्थशास्त्र हमारे लिए एक आसान सा सब्जेक्ट रहेगा। कितना आसान, जबकि हम देखते हैं हम इसमें हम हमेशा नॉर्मली सोचते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत लेवल पर हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक इंडिविजुअल लेवल पर जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक लोगों की बात कर रहे हैं, है ना, व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत पूर्ति, व्यक्तिगत आय। लेकिन जब इन व्यक्तिगत सबको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, समग्र हो जाता है, और समग्र जब होता है तो उसको हम कहते हैं समष्टि, समस्त, मैक्रो, है ना। अब इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बहुत सारे हमारे पास कंसेप्ट है, हमारे पास ISLM कर्व है, हमारे पास अलग अलग गुणक है, है ना, निवेश गुणक है, सरकारी व्यय गुणक है, कर राजस्व गुणक है, हमारे पास हस्तांतरण भुगतान गुणक है, संतुलित बजट गुणक है, IAS कर्व है, LM कर्व है, उसके बाद उसका अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन है, थोड़ा थोड़ा हम भुगतान शेष भी यहाँ पढ़ लेते हैं। तो इन सब चीज़ों की चीज़ें यहाँ पर एक तरह से कैसे हम सिंक्रोनाइज करते हैं। सब्जेक्ट की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि बहुत ही आसान डायग्राम से इस सब्जेक्ट को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं। जितना हम डायग्राम से 80% काम कर लेते हैं उतना पेज भरा जाता है दूसरे सब्जेक्ट्स में। उस डायग्राम आपने किया, आपने लिखने में थोड़ी सी कोताही भी बरती, तब भी आपको मार्क्स करीब हैं आपके 300 के। लेकिन अगर आप देखते हैं कि दूसरे में आप पेज दर पेज भरते जा रहे हैं, हालांकि वर्ड लिमिट है फिर भी लोग भरते जा रहे हैं, उसके बाद भी आपको मार्क्स क्या मिला, तो 150 मार्क्स ही नहीं मिला। ये सब्जेक्ट कॉन्सिस्टेंटली परफॉर्मेंस करता आ रहा है। आपने कभी सुना होगा एक सब्जेक्ट बहुत पॉपुलर था आज नहीं है, ये सब्जेक्ट बहुत पॉपुलर था आज नहीं है, उसका ट्रेंड था आज नहीं है। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि ज्यादा रहा है या कम रहा है, जिन्होंने सीरियसली एग्जाम दिया उन सबका हुआ है। और दूसरी बात है, सब डायग्राम बनाते हैं जो मेंस में जाते हैं। आप कहोगे सर सब तो एक ही तरह का डायग्राम बनाते हैं, वही तो मैं कह रहा हूं, बहुत कम लोग जाते हैं लेकिन उन सबके सिलेक्शन होते हैं, सबको अच्छे मार्क्स आते हैं। आप देखो कि टॉप 10 में यही एक सब्जेक्ट है जो तीसरे नंबर पर है 19.5% के आसपास सिलेक्शन देने में, और उसके बाद ह्यूमैनिटीज का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो सो कॉल्ड पॉपुलर है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहना नहीं चाहूंगा, कहीं भी नहीं है। आप अभी टाइप करेंगे गूगल में तो आपको नजर आ जाएगा। और पहले पर और दूसरे पर मेडिकल साइंस और एग्रीकल्चर है, तीसरे नंबर इकोनॉमिक्स है 19.5% रिजल्ट देने के साथ, सो कॉल्ड पॉपुलर जो 4-5-6-7% तक जाकर रुक जाते हैं। तो आप उस सब्जेक्ट से डरते हैं जिस सब्जेक्ट को आपको आप कहते हैं कभी कि अरे उसमें अपडेट करना होता है। मैं आपको बता दूं इस समष्टि अर्थशास्त्र में कुछ भी अपडेट नहीं करना होता है, अपडेट इंडियन इकोनॉमी करना होता है जो ऑप्शनल का सेकंड पेपर है, और अपडेट उतना ही करना है जितना अपडेट आप थर्ड पेपर के लिए करते हैं। उसी अपडेट से यहां भी काम होता है, उसमें एक पॉइंट भी एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना है, वही अपडेट, क्योंकि वहां भी इंडियन इकोनॉमी है, यहां भी सेकंड पेपर इंडियन इकोनॉमी है। आप GS पेपर थर्ड के लिए आपको करना ही है, चाहे आप ऑप्शनल ले या नहीं ले, वो जब आप सेलेक्ट करते वो आप वहां पर तैयार करते हैं तो आपका तो 250 का ऐसे ही तैयार हो जाता है। 250 के लिए तो है, और 250 के लिए यहां पर सिर्फ डायग्राम और क्वाइट काफी छोटे और आसान डायग्राम से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसीलिए जो कहते हैं वो खुद ही इकोनॉमिक्स जिंदगी में कभी नहीं देखा तो वो क्या आपको सलाह देंगे। आप संस्कृत के टीचर से पूछते हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लेके नहीं, ज्योग्राफी वाले से पूछते हैं लेके नहीं, हिस्ट्री वाले से पूछते हैं लेके नहीं, चलो मैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, मुझसे आप पूछो संस्कृत ऑप्शनल लेके नहीं तो मैं कहूंगा बिल्कुल मत लो, ज्योग्राफी लेकिन नहीं तो मैं बिल्कुल मत लो। तो आप मुझसे दूसरे सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे क्या बता पाऊंगा, तो आप इकोनॉमिक्स वाले से इकोनॉमिक्स के बारे में पूछे ना, उसके प्रोज एंड कॉन्स। तो इसीलिए आप कहेंगे नहीं बताने वाले कम है, इकोनॉमिक्स टीचर कम है, जाहिर है। तो आपको 250 वहां, आप 150 वहां तैयार कर रहे हैं थर्ड पेपर में, वहीं यहां पर 150 प्लस 100 वो भी 47 के पहले वाला, बाकी 100 है
तो 250 तो आपका ऐसे ही तैयार हो जाता है, बाकी 250 के लिए यहाँ पे आपको डायग्राम से देखना होता है। मैं आप जो आपके लिए एक कंसेप्ट मैं आईएएस कर्व का डिस्कशन करना चाहूंगा, है ना, आईएएस वक्र का डिस्कशन मैं आपके साथ करना चाहूंगा। और जनरली आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, निवेश, और एस का मतलब होता है सेविंग, बचत। तो किस प्रकार हम इसको थोड़ा फॉर्मूले से लिखते हैं, थोड़ा देखना। आई बार माइनस बी आई, घबराना नहीं है, सबके बारे में बता रहा हूं, ये इसका फॉर्मूला है, आई बार माइनस बी आई। आई बार को हम बोलते हैं स्वतंत्र निवेश, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, स्वतंत्र निवेश, है ना, ब्रैकेट में, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर से कोई संबंध नहीं है, से कोई संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। आई जो है स्मॉल आई, इसको हम लोग ब्याज की दर बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और बी जो है वो संबंध दिखाता है इस ब्याज की दर तथा निवेश में, और कैसा संबंध दिखाता है जी, नेगेटिव, उल्टा। सो बी, ब्याज की दर तथा निवेश में विपरीत संबंध को दर्शाता है। संबंध तो संबंध दर्शाता है, माइनस इसे विपरीत लिख दिया, को दर्शाता है। अब देखना जी जरा कैसे हम इसको, चलिए ये हम लोगों ने एक देख लिया, सेविंग की तो बाद में बात करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपके सामने इस निवेश वक्र की बात करता हूं, है ना, निवेश वक्र जिसको हम लोग आई से दिखा रहे हैं, आई से, जो है आई बार माइनस बी आई। थोड़ा मैं इसका डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूं। अब आप देखो, कहीं भी ब्याज की दर कम होती है तो हम बैंक से पैसा लेकर ज्यादा निवेश करते हैं, बैंक से पैसा लेकर हम क्या करते हैं, ज्यादा निवेश करते हैं, कहीं भी ब्याज की दर कम होती है तो हमारा डायग्राम ऐसा बनता है जी, I इज इक्वल टू आई बार माइनस बी आई। यहां पर ब्याज की दर है हमारी, ये I1 पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है I1, और ब्याज की दर कम हो गई, I2 हो गई, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है I2। अब आप देखना, ब्याज की दर जैसे जैसे कम होती है, हम बैंकों से पैसा लेकर उतना ही ज्यादा निवेश करते हैं। अब बैंक में पैसा रखना इन्वेस्टमेंट मत कह देना, वो सेविंग है, पैसा लेकर बाहर इन्वेस्ट करते हैं, सस्ता हमें लोन मिलता है। तो चलिए, ये दिखा रहा है कि इस इन्वेस्टमेंट का हमें इसके साथ संबंध है, और उल्टा माइनस साइन है ना, बी रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच संबंध कैसा, उल्टा, क्योंकि ये गिर रहा है तो ये बढ़ रहा है। लेकिन दूसरा हम लोग यहां देखे तो वो ये देखते हैं कि इसको बोलते हैं वक्र के साथ, इसको बोलते हैं निवेश वक्र में खिसका, निवेश वक्र में खिसका। और कैसे जी, इस निवेश वक्र में खिसकाओ के लिए हमें क्या करना है, तो हम यहां पर ये डायग्राम देखते हैं कि ये हमारे पास देखो, ये आई है जो आई बार माइनस बी आई है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा एक फिक्स है आई, यहां पर इन्वेस्टमेंट हो गया आई। अब बाहर से निवेशक आ गए, हमने हमारे कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट इधर उधर नहीं हुआ है, लेकिन बाहर से निवेशक आ गए, तो बाहर से निवेशक आने से क्या हो जाएगा, हमारा इन्वेस्टमेंट जो है इस साइड में हो जाएगा, ये आई वन, ये आई टू हो गया, आई बार टू माइनस बी आई। बाहर के निवेश से, स्वतंत्र निवेश से हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट यहां भी बढ़ा है, लेकिन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट में परिवर्तन के कारण, और यहां जो बड़ा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में परिवर्तन के कारण नहीं, वो क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये जो स्वतंत्र निवेश है वो बड़ा है। बाहर से क्या हो गया होगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बढ़ोतरी के कारण वो बढ़ गया होगा, उनको भारत के रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे कोई मतलब थोड़ी है। तो इस तरह से ये इन्वेस्टमेंट वक्र हमारा क्या हुआ, इधर भी आया और शिफ्ट भी हुआ। चलिए, अब मैंने आपको कहा कि इस पूरे कंसेप्ट में हमें सेविंग को भी देखना है, है ना, पूरे कंसेप्ट में हमें सेविंग को भी देखना है, ये तो हम नहीं मैं मिटाऊंगा नहीं, आपके सामने रहेगा, हमें निवेश को भी देखना है पूरे कंसेप्ट में।
जस्ट सेकंड, सॉरी, ये आपके सामने रहना चाहिए थोड़ा। है ना, ठीक है, निवेश वक्र। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा बचत वक्र देख ले। बचत वक्र तो सेविंग वाला वो एस था ना, आईएस था ना, तो चलिए ये तो सिंपल है कि सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होती है, वैसे वैसे हमारा सेविंग क्या होता है, बढ़ता है। ये तो सीधा संबंध है, इसमें तो कोई इश्यू है नहीं। यहां ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहां सेविंग बचत। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग निकालने जा रहे हैं आईएस वक्र, है ना। तो हम लोग आईएस वक्र निकालने जा रहे हैं, तो हम लोग यहां लिखते हैं आईएस वक्र प्राप्त करना, प्राप्त करना, डेरिवेशन ऑफ आईएस वक्र। कैसे, थोड़ा आप ध्यान देना यहां। हम लोग इसको समझने के लिए एक आध बेसिक मैं यहां आपको लिख रहा हूं। देखो, एक हमारा कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग, जो होता है प्राइवेट कंजम्पशन, हम आप निजी उपभोग करते हैं, हम आप खर्च करते हैं, प्लस कुछ उपभोग सरकार करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस कंट्री में इन्वेस्टमेंट होता है, प्लस क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। अगर ये लेते हैं, है ना, तो एक सेक्टर हो गया, दो सेक्टर हो गया, तीन सेक्टर हो गया, और ये दोनों मिलाकर एक ही बोलते हैं, तो चार सेक्टर हो गया। अच्छा, जब हम कभी भी इक्विलिब्रियम बोलते हैं, संतुलन, तो बोलते हैं डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो उसी तरह से एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई, और जितनी सप्लाई करेंगे उतनी ही इनकम होगी। अरे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 5000 rupees पर आवर ले रहा हूँ, तो मेरी एग्रीगेट सप्लाई 2 घंटे की है, 2 घंटा पढ़ाता तो 5000 × 10, तो मेरी सप्लाई जितनी की होगी उतना ही इनकम होगा, और जितना इनकम होगा ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करूंगा, उतना ही खर्च करूंगा। अब मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने, और आप देखना, ये 90 डिग्री है, यहां पर एग्रीगेट डिमांड लिखा हुआ है जी, और यहां पर इनकम लिखा हुआ है जी, आय। 90 डिग्री को 45 डिग्री से बना लिया, तो इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, तो AD इज इक्वल टू वाई हो गया। 45 डिग्री दोनों को इक्वल पार्ट में बांट रही है ना जी, इसका मतलब जो रीडिंग इधर होगा वही रीडिंग क्या होगा, इधर भी होगा। ठीक है, चलिए, अब ऐसा है कि ये तो दोनों को इक्वल पार्ट में बांटने की बात हुई, लेकिन जब हम एक्चुअल आते हैं, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट सब बढ़ता है। ये आप देखना, ये AD1 हो गया, एक्चुअल ये है, ये तो आइडियल है, ये हो गया C+I। इक्विलिब्रियम हमारा E1 हो गया, ये हमारा Y1 हो गया। अब अगर किसी भी तरीके, सभी हमने देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, दूसरे कारण से ही बढ़ता है। चलो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट को ले लेते हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो हमारा ये एग्रीगेट डिमांड, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, तो ये AD2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, C+I+ Δ होगा कि नहीं होगा। चलिए, तो ये हमारा E2 हो गया और ये हमारा Y2 हो गया। अच्छा, अब नीचे अगर डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं तो आप ध्यान देना, मैं एक आध चीज अब इधर मिटाऊंगा, क्योंकि एक आध चीज क्लैरिफाई करनी है मुझे आपके साथ। और वो ऐसे है, है ना, इधर भी थोड़ा मिटाना चाहूंगा, क्योंकि अब हमें थोड़ा खुल के इसको डिस्कशन करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये एग्रीगेट डिमांड वाला लाइन है, हम जानते हैं, देखो AD होता है C+I मान लो हो गया, तो C को भी हम थोड़ा ओपन करते हैं, तो होता है C bar + CY। ध्यान देना, यहां भी फिर से लिख रहा हूं, C होता है C bar + CY। सी बार है स्वतंत्र खर्च, चाहे आप स्टूडेंट हैं, इनकम हो या ना हो, ये खर्च करेंगे फादर के इनकम से। इसको बोलते हैं MPC, जो होता है चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन वाई, मतलब उपभोग इनकम के हिसाब से, और ये तो आय आय है ही। तो एक उपभोग जिसका आय से कोई संबंध नहीं है,
एक उपभोग जिसका आय से संबंध है, दोनों उपभोग ही है, जोड़ेंगे तो टोटल उपभोग आ जाएगा। तो चलिए सी सी बार प्लस सी वाई हो गया, आई उसी तरह से आई बार माइनस बी आई हो गया। इस पॉइंट पे वाई क्या है, जीरो। यस, तो ये जीरो हो गया, जीरो इंटू समथिंग जीरो। तो सी बार प्लस आई बार माइनस बी आई, और ये ऑटोनोमस वाले को ए बार से दिखा दे रहे हैं हम लोग, ए बार माइनस बी आई एडी। इस पॉइंट पे एडी लाइन ही तो है, ए बार माइनस बी आई वन, एक रेट ऑफ सेस के साथ है, यहाँ रेट ऑफ सेस गिरा है जी, तब एडी ऊपर गया है, दूसरा ए बार माइनस बी आई टू। ठीक है, चलिए यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है आई वन, इस पूरे लाइन पे आई वन है जी, तो ये हो गया वाई वन। यहां पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है आई टू, तो ये हो गया वाई टू। जब दोनों को हम लोग मिलाते हैं तो हमारा बनता है इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व। हर एक पॉइंट पे सेविंग किसके बराबर है, इन्वेस्टमेंट के बराबर, इसीलिए इसको गुड्स मार्केट बोलते हैं। इस कर्व को जितना सेविंग बैंक में रखा वो सारा का सारा निवेश के लिए बैंक ने उठाकर लोगों को दे दिया। सो यह आय तथा ब्याज की दर में विपरीत संबंध को दर्शाता है, क्योंकि ब्याज की दर जैसे गिरेगी वैसे ही हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, और निवेश ज्यादा करेंगे तो हमारा क्या होगा, समग्र मांग बढ़ेगी, उत्पादन ज्यादा होगा और इनकम बढ़ेगी। तो ये आय तथा निवेश में विपरीत संबंध को आईएएस वगैरह दिखाता है, और हर एक पॉइंट पर बचत निवेश के बराबर होता है। लेकिन अगर हम इसका समीकरण देखें, आईएएस वक्र का समीकरण, तो हम जानते हैं कि यहां पर AD इज इक्वल टू C प्लस आई है, लेकिन संतुलन पर, एट इक्विलिब्रियम संतुलन पर, हम ये भी जानते हैं कि AD इज इक्वल टू Y भी है वहां से, देयरफोर Y इज इक्वल टू C प्लस आई हो सकता है। ये C बार प्लस सी वाई है, और ये I बार माइनस बी आई है, और Y माइनस सी वाई इज इक्वल टू C बार प्लस I बार माइनस बी आई है, और y कॉमन हो गया तो 1 माइनस सी, और ये तो कांस्टेंट था ही a बार माइनस बी आई, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस सी a बार माइनस बी आई, और कितने बुक वाले इसको अल्फा जी से लिखते हैं तो मैं भी लिख देता हूं, ये हमारा है आईएएस इक्वेशन। बस मामला सही हो गया हमारा, सिंपल हो गया। मैं आपको एक चीज और थोड़ा बताना चाहूंगा, आप कहते हो सर ये थोड़ा और क्लिष्ट कभी हो जाता है, तो चलो इस क्लिष्ट को भी मैं थोड़ा आसान करता हूं, और क्लिष्ट वाले को भी थोड़ा आसान करता हूं आपको। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि आईएएस वक्र शिफ्ट करता है ना, तो हम लोग, मैं वो भी लिख रहा हूं, शिफ्टिंग ऑफ आईएएस कर्व, शिफ्टिंग ऑफ आईएएस कर्व। आईएएस वक्र में खिसका हो, अच्छा जी कैसे है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखो एक इसके लिए फिर बेसिक एक समझना पड़ेगा, और बेसिक जो है हमेशा होता है वाईडी, इसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, मतलब क्या है, प्रयोज्य है, जिसको हम जब चाहे तब खर्च कर दे, ये होता है इनकम माइनस टैक्स। तो ये जो C है ना, हम C बार प्लस सी वाई डी भी लिखते हैं, जो C बार प्लस सी वाई माइनस टी भी होता है वाई डी की जगह पर। अब आते हैं शिफ्टिंग ऑफ टैक्स, तो लिखते हैं एक मुश्त कर लगने के कारण, एक मुश्त कर जिसको T से दिखाते हैं, के लगने के कारण, के लगने के कारण, कारण। आइए अब इसमें जी भी लिखना पड़ेगा, बिना गवर्नमेंट के तो टैक्स लगता नहीं है, तो हम लोग सिंपली दो लाइन खींच लेते हैं, चलिए ये आपका AD इज इक्वल टू वाई है जी, इधर AD लिखते हैं, इधर हम जानते हैं, इधर हम लोग इनकम लिखते हैं। चलिए ये आपका क्या हुआ जी, ये आपका AD1 हुआ, जो है अब यहां से लेना पड़ेगा C बार प्लस सी y माइनस टी प्लस आई प्लस जी, ये हो गया आपका e1, ये आपका हो गया y1। दूसरा ये है ad2
सी बार प्लस सी वाई माइनस टी प्लस आई प्लस डेल्टा आई प्लस जी, ये आपका हो गया ई टू वाई टू। चलिए यहां से हमारा आईएस वक्र बन गया, हम सब जानते हैं ए बार माइनस बी आई वन, यहां ए बार माइनस बी आई टू, तो ये आई वन हो गया, ये आपका वाई वन हो गया, ये आई टू हो गया, ये हमारा वाई टू हो गया, और हमने इस पूरे को मिलाया तो हमारा आई एस वक्र हो गया। ठीक है, ये तो उसी तरह था, वहां सी बार सी पूरा है प्लस आई प्लस जी, तो सी को खोल दिया सर। अब आप देखना, अब टैक्स लग गया जी, आप पर टैक्स लग गया, तो हर एक एग्रीगेट डिमांड अपने जगह से नीचे आ जाएगी, उतने से ही नीचे आ जाएगी जितने से टैक्स लगा है, क्योंकि आपको इनकम उतने से कम हो जाएगी। तो आप देखना यहां, अब ये आपका नया एडी है, एडी वन डैश, और क्या है जी, सी बार प्लस सी वाई माइनस टी प्लस डेल्टा टी प्लस आई प्लस जी, ये आपका हो गया ई वन डैश, ये हो गया वाई वन डैश। ठीक है, अपनी जगह से नीचे आया, उस तरह से ये भी अपनी जगह से नीचे आ जाएगा, टी प्लस डेल्टा टी, इसीलिए बोला ना कि टैक्स बढ़ गया, टी में बढ़ गया, बाकी तो सी बार है, सी है, वाई है, माइनस टी में बस डेल्टा टी हुआ, जुड़ गया प्लस आई प्लस जी, यहां भी वही हालत होगी, ए डी टू डैश सी बार प्लस सी वाई माइनस टी प्लस डेल्टा टी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, इसमें डेल्टा आई नहीं था जी, प्लस जी, अपने अपने जगह से सब नीचे आ जाएंगे, ये ई टू डैश हो गया, ये आपका वाई टू डैश हो गया, लेकिन ध्यान देना इन दोनों जगहों पर टैक्स के चलते नीचे आए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई अंतर हमने नहीं किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, इनकम जरूर कम हुई है टैक्स के चलते, तो आते हैं नीचे, यहां से नीचे आते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है जी, इनकम हमारी कम हो गई है वाई वन डैश, तो अगर ये ई वन है तो क्या है, ई वन डैश है, यहां से आते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी क्या है, वही है, यहां अगर ई टू है तो यहां क्या है, ई टू डैश, इनकम हमारी कम हो गई है वाई टू डैश, और जब हम मिलाते हैं इन दोनों को तो हमें क्या होता है, एक लेफ्टवर्ड शिफ्टेड, लेफ्टवर्ड शिफ्टेड एक आई एस वक्र हमें मिलता है, लेफ्टवर्ड इधर शिफ्ट हुआ ना जी, दैट्स इट। अब शब्दों में करना है, बताया तो था कि आपके नोट्स में ऑलरेडी ये मेंशन है, ऑलरेडी नोट्स में दिया हुआ है सारा का सारा, है ना, और मैं लिखवाता हूं क्लास में। तो इस तरह से कोई भी सब्जेक्ट है उसके बीच हम उन लोगों से नहीं पूछे जो आपसे भी कम जानते हैं, पता नहीं आप उनसे पूछने क्यों जाते हैं, आप किसी फ्रस्ट्रेटेड सीनियर से पूछने जाते हैं इसका कुछ हुआ ही नहीं है, इसलिए मैं आपको हमेशा बता रहा हूं सब्जेक्ट को नापे परखे, और यूपीएससी में किसी भी लेवल पर किसी भी सब्जेक्ट को जानने के लिए हमें मेहनत करनी होती है, चाहे वो कोई लैंग्वेज क्यों नहीं हो, कोई ऐसा हम कोई भाषा क्यों नहीं सेलेक्ट कर ले, कुछ भी ऐसा हम सेलेक्ट करते हैं, हर एक लेवल पर मेहनत है, मेहनत यहां भी है, मेहनत हिस्ट्री में भी है, मेहनत ज्योग्राफी में भी है, लेकिन इकोनॉमिक्स में दूसरे के कंपैरेटिवली कम लिखना है, मैं कहता हूं आप वादा करें कि आप दूसरे से 60% भी इकोनॉमिक्स में दे देंगे तो आपको उससे ज्यादा मार्क्स आएंगे, ये मैं दावा करता हूं। इसी के साथ मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं कि ईजीएस्ट अमंग ऑल सबसे आसान सब्जेक्ट है, डायग्राम से सारी बातें करनी होती है, आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं 10 बार देख सकते हैं, ऑफलाइन करते हैं 10 बार पूछ सकते हैं, नोट्स आपको साथ मिलते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस 4 महीने में सारा का सारा सब्जेक्ट आपके साथ तैयार हो जाता है, उसके बाद और साथ में जीएस पेपर 3rd भी हो जाता है और एक एसे का क्वेश्चन भी जाता है 125 मार्क्स। तो मैं उससे भी कहता हूं कि जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वाले हैं वो भी सब्जेक्ट को ऑप्ट करें। सो थैंक यू फॉर टुडे, फिर हम लोग मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, थैंक यू।